और दिल्ली के मंत्री राजेंद्र गौतम के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ मौके पर जाकर किया। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने घर पर भगवा झंडा लगाया। सनातन विरोध शपथ के विरोध में हिंदू संगठनों का यह हंगामा हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम के घर के बाहर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, बीती रात की ये तस्वीरें। और बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठने लगा है। हर कोई पूछ रहा है कि अगर एक मंत्री के घर के बाहर, आप समझिए, जरूर विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके घर के अंदर पहुंच जाना, वहां पर भगवा झंडा फहराना, उस घर में उनके परिजन, उनके बीवी, उनके बच्चे भी रहते होंगे, वो किस दहशत के माहौल में रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम करोल बाग के अम्बेडकर भवन से सामने आया था, जहां पर हिंदू विरोधी कस्में वहां पे खाई गई, संकल्प वहां पर लिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ जो बातें की गई, उससे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा उद्वेलित है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, देखिए लगातार जो हम तस्वीरें हैं और कल बीती रात की और किस तरीके से हिंदू संगठनों की नाराजगी उसकी दिखा तो रहे हैं, लेकिन राजेंद्र गौतम पर जो आरोप है, जिस तरह की नाराजगी है, वो नाराजगी भी तो अपने आप में जायज नजर आती, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, सनातन विरोधी कस्में खाई गई थी, वो जाहिर सी बात है कि हिंदू प्रेमियों के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए एक कहीं ना कहीं झटके वाली बात थी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 3 से 4 दिन पहले जिस तरीके का वाकया सामने आया था, उसे लेकर जाहिर तौर पे ना सिर्फ एमएलए राजेंद्र गौतम बल्कि अरविंद केजरीवाल सरकार की भी खासी किरकिरी हुई थी। इस वक्त मैं राजेंद्र गौतम के घर के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और आप देखिए, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, SC ST वेलफेयर और कोऑपरेटिव वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड गुरुद्वारा इलेक्शन के ये अध्यक्ष हैं। यहीं पर कल देर रात को हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे, ना सिर्फ यहाँ पर भगवा झंडा लहराया बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हालांकि नाराजगी अपनी जगह जरूर है, लेकिन इस तरीके से किसी मंत्री के घर पे देर रात को पहुंच जाना और उसके बाद यहां पर जमकर नारेबाजी करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो कानून के विरुद्ध जरूर है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू जो धर्म के विरुद्ध में या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरोध में जिस तरीके की बातें कही गई थी, उसे लेकर ना सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि तमाम देश भर में खासा गुस्सा है। और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी जो राजेंद्र गौतम है उनके साथ नाराजगी जताई थी। राजेंद्र पाल गौतम ने भी माफी मांगी थी, लेकिन हिंदू संगठन जो है वो मानने को तैयार नहीं, और यही नतीजा निकला कि कल देर रात को राजेंद्र पाल गौतम के राजनिवास के इसी घर पर जो हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और यहां पे नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि जिस वक्त ये पूरा वाकया हुआ था, उस वक्त राजेंद्र पाल गौतम अंदर ही मौजूद थे, लेकिन अंदर जो है वो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन गेट पर जरूर उन्होंने नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन लेकिन रजनीश, इन सबके बीच किसी तरह का कोई रिएक्शन राजेंद्र गौतम का, क्योंकि माफी तो मांग ली, लेकिन जो कल बीती रात को घटना हुई है उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन उनका? देखिए, अभी मैंने राजेंद्र पाल गौतम अंदर ही अपने घर में मौजूद है, मैंने अभी मैसेज भिजवाया उनको कि मैं मिलना चाहता हूं उनसे और उनका रिएक्शन जानना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ी देर वेट कीजिए, एक मीटिंग उनकी कह रहे हैं कि अंदर चल रही है, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो हमको अंदर बुलाएंगे और उसके बाद वो इस पूरे मामले पर रिएक्शन देंगे कि कल जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग यहां पर पहुंचे थे, भगवा झंडा लहराया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और ये भी कहा जा रहा है कि घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो घर के अंदर घुस नहीं पाए थे। फिलहाल अभी कुछ देर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद जब राजेंद्र पाल गौतम मेरी मुलाकात होगी तब मैं ये तमाम सवाल उनसे पूछूंगा और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नजर बनाए रखिएगा, बात होगी तो वो भी अपने दर्शकों को